हेलो फ्रेंड्स तो इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जो आखिरी दिनों की आखिरी तीस दिनों में जो है आप आप एग्ज़ाम कैसे क्रैक कर सकते हैं कोई भी एग्ज़ाम कैसा भी मुश्किल हो तो आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करनी है उससे पहले मैं आपके साथ कुछ कोट्स शेयर करना चाहता हूँ तो सबसे पहले ये है द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जितना जित जितना भी आप जो है वॉर टैक्टिक्स सीख लें एग्ज़ाम टैक्टिक्स एग्ज़ाम से पहले सीख लें कि आप वहाँ कैसे लिखोगे कैसे आपको याद आएगा उतना ही जो है आप अपने आप, एग्ज़ाम में सक्सीड होंगे तो so, क्योंकि ये वाला टाइम जो है आपका ये बहुत ही क्रूशल होता है क्रूशल इन द सेंस कि यही टाइम जो है वो मैटर करता है क्योंकि यही जब हम स्ट्राइक द आयरन स्ट्राइक वाइल द आयरन इज़ हॉट कहते हैं तो ये हॉट वाला टाइम जो वो यही है जो आखिरी के दिन हैं यही वो टाइम है जिस टाइम आपका आयरन हॉट हो चुका है और आपको सही और ज़ोर से मारने की ज़रूरत होती है बाकी टाइम आपने जो कुछ भी किया होगा कितनी भी मेहनत की हो या ना की हो वो मैटर उतना नहीं करेगा जितना ये आखिरी टाइम आपका मैटर करेगा आपने साल भर मेहनत की लेकिन आखिरी के तीस दिन आपने छोड़ दिया तो समझ लीजिए आपकी सारे साल की मेहनत ज़ाया है और अगर आपने आखिर के तीस दिन या बीस दिन या जितना भी टाइम आपके पास बचा है वो अगर आपने सही से सह इस्तेमाल किया तो आप समझ लीजिए कि आपका काम हो गया क्योंकि यही टाइम है जो डिसाइड करता है कौन इन है और कौन आउट है तो आगे मैं आपके साथ शेयर करना करने वाला हूं एक मज़ेदार स्टोरी एक लाइफ चेंजिंग स्टोरी जो आप उम्र भर याद रख सकते हैं जो आपको डेफिनेटली जो है मोटिवेट करेगी और इंस्पायर करेगी वर्कआउट करने के लिए सो उससे पहले मैं आपको जिसके लिए हमने ये वीडियो तैयार किया है मैं आपके साथ ये टिप्स शेयर करना चाहता हूँ कि लास्ट थर्टी डेज ऑफ एग्जाम आप कैसे गुजारेंगे सो so, सबसे पहले जो है आपको सोशल मीडिया से ब्रेक लेनी होगी क्योंकि यही जो है जो आपको आप तो शुरू शुरू तो आप ऐसे करते हैं चलो मैं एक मिनट के लिए फेसबुक या व्हाट्सएप देखता हूँ लेकिन क्या होता है कि आप घंटों फिर उस पर लगे रहते हैं आप यूट्यूब शॉर्ट्स में चले जाते हैं तो, तो फिर आपके घंटे भर ज़ाया ऐसे होते हैं आपके प्रोडक्टिव जो हैं प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं काम के वो आपके जाया हो जाते हैं तो अवॉइड फेसबुक इंस्टा व्हाट्सएप विच सक्स योर टाइम व्हेनेवर एवर यू सी वॉच और लिसन इट शुड बी रिलेवेंट टू सो वाट एवर यू सी वॉच और लिसन इट शुड बी रिलेवेंट टू योर एग्जाम यानी जो कुछ भी आप देख रहे हो सुन रहे हो हाँ, वो जो है आपके एग्जाम के रिलेटेड होना चाहिए इवन आपका वॉलपेपर आपका वॉलपेपर वो डेस्कटॉप हो या आपका मोबाइल फ़ोन हो उससे भी आपको कुछ सीखने के में आप जो कुछ भी रख सकते हैं जिससे आप इंस्पायर हो सकते हैं या कोई ऐसी फार्मूला या कुछ जो आपको याद ना रह, रह रही हो वो आप वहाँ पर रख सकते हैं और अगर आपको फोन इतना तंग कर रहा है कि आप छोड़ नहीं पा रहे हैं आप उठाते हैं और घंटे भर इसके इसी के साथ लगे रहते हैं तो अपने आप को अपने टाइम को प्रोडक्टिव बनाने के लिए जो है दो ऐप्स का मैं आपको सजेस्ट करूंगा बहुत ही प्रोडक्टिव ऐप्स हैं ये आप जो है ऑफ टाइम एक ऐप आती है ऐप स्टोर में ऑफ टाइम और दूसरी आती है ऐप स्टोर में जो है गूगल प्ले ये जो है प्ले स्टोर में है और दूसरी है फ्लिपड ये दो एप्लीकेशंस आप सर्च कीजिए आप जो है आप इसको आप इससे जो है अपना टाइम बिल्कुल प्रोडक्टिव बनाते हैं क्योंकि जब आपने ऑफ टाइम एक घंटे के लिए ऑन किया तो एक घंटे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं इवन अगर आप फ्लिपड ऑफ ये कर सकते हैं अब जो आपको अच्छा लगे अगर आपने फ्लिपड एक बार ऑन किया तो समझ लीजिए जो है आपका टाइम सिर्फ अब फ़ोन नहीं अब अब आप सिर्फ जो है आ, पढ़ सकते हैं अब फ़ोन आपके लिए बेकार हो चुका है जितना टाइम आपने उसमें सेट किया आपने आपको एक घंटे के लिए पढ़ना है तो समझ लिया आपको अगर अब इनकमिंग कॉल आएगी जो इंपॉर्टेंट कॉल आएगी लेकिन आप कुछ और नहीं कर सकते हैं सो अवॉइड सोशल मीडिया ड्यूरिंग द एग्ज़ाम दो सो सो आपके पास सेकेंड टिप है डोंट मेक कॉल्स टू फ्रेंड्स टू ऑफन आप अपने दोस्तों को ज़्यादा फ़ोन ना कीजिए क्योंकि कुछ जो कुछ ऐसे आपको नहीं पता है कि किसी कि किसके दिल में क्या है क्योंकि कोई दोस्त ऐसा हो सकता है जो आपको डिस्टर्ब कर दे कोई ऐसी न्यूज़ बता दे कोई ऐसी डिस्क्रेजिंग आपको आ, ख़बर सुना दे यार फलानी हो गया उसको तो दस अटैम्प्ट करते हुए हो गए वो तो इतना इतना पढ़ रहा था उसकी तो अभी भी सिलेक्शन नहीं हुई सो so, ये नेगेटिविटी हो सकती है जिससे आपका एक दिन या दस दिन आपके ज़ाया हो सकती है या एक घंटा आपका ज़ाया हो सकता है ये सोचते है यार ऐसा क्यों होता है या आप डिमोटिवेट हो सकते हैं टोटली फ्राम द एग्ज़ाम सो ऐसे फ्रेंड्स को कॉल मत कीजिए अगर आपको कॉल करनी है तो नोट्स रिलेटेड या अगर अगर, अगर आपने कॉल की तो ऐसे फ्रेंड को कीजिए जिससे आप कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं अपने फ्री टाइम में सो so, अगर आप किसी को कॉल भी कर रहे हैं तो ऐसा तो आपको ये भी सोचना है कि क्या आप उसका टाइम तो नहीं ज़ाया कर रहे हैं क्या, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जो है उसके सामने नेगेटिविटी फैला रहे हैं तो इसका ध्यान भी आपको रखना है कि आप जो है आप किसी को कॉल कर रहे हैं लेकिन आप उसका टाइम आप तो, आपका आपके लिए तो हो सकता है ये फ्री टाइम हो लेकिन उसके लिए ये प्रोडक्टिव टाइम हो सो आप जो है आराम से कॉल कीजिए लेकिन आ, ये सोच के कि उसका टाइम भी ज़ाया ना हो आपका भी टाइम ज़ाया ना हो और नेगेटिविटी थॉट्स ना हो क्योंकि वो हो सकता है आप में इन्फ्यूज़ कर दे आपके नेगेटिव फीलिंग्स को तो और तीसरी बात तीसरी बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हम जो है पढ़ते समय ये इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं उसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको जो है अगर आपके पास अभी टाइम है मान लीजिए आपके पास तीस दिन है तो आपको सोचना है कि समझ लीजिए आज फर्स्ट है और तीस तीस तारीख को आपका एग्जाम है तो आपको ये समझना होगा कि इकतीस तारीख को मैं कैसे वो सारा रिवाइज करूं जो मैं इन उनतीस दिनों में पढ़ रहा हूं सो उसके लिए आपको क्या करना होगा रिविजन नोट्स आपको तैयार करने होंगे जो कुछ भी आपको इंपॉर्टेंट आप जरूरी नहीं है उसको सजा सजा के लेकिन हाँ इंसान की जो याददाश्त होती है वो जो है इमेज के थ्रू होती है आप इसको सजा सकते हैं थोड़ा आप डेकोरेट कर सकते हैं लेकिन अगर अगर आपके पास कम टाइम हो तो मत कीजिए शॉर्ट नोट्स बनाइए कंसोलिडेट बहुत सारा मटीरियल आप जो है आ, किसी एक नोट में जो है आप कंसोलिडेट कर सकते हैं और आप कहीं पे भी कुछ भी नक्शा बना के उसको विजुअल मेमोरी बना सकते हैं क्योंकि आपको ये इतना तो पता ही होगा कि हमारा दिमाग जो है वो टेक्स्ट याद नहीं रखता वो जो है वो विजुअल मेमोरी पे काम करता है तो चौथी बात सोलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने भी आपको मिल रहे हैं सोलो करो आपको हो सकता है आप पहले दिन भी कर सकते हो पहले दिन अगर आपने स्टार्ट किया तो समझ लीजिए कि आप आपने सही शुरू किया क्योंकि जब जिस जिस टाइम आप ये कर रहे हैं क्योंकि आपके इन इन तीस दिनों या एक साल का मकसद तो यही है कि आप आखिर पे कोई पेपर कर कर पाएँ अगर आप उसकी प्रैक्टिस रोज़ या एक हफ्ते में एक बार करें तो जो है आपका आ, वो इंसान को उस टाइम ये लगता है कि शायद मैं ये टाइम ज़ाया कर रहा हूँ लेकिन ज़ाया नहीं वही सबसे प्रोडक्टिव टाइम होता है सो One of the most important ways to prepare for exam is to swallow the previous year papers. This helps you to know the format of the exam paper and get and get you hang of the exam time limit. And or, or jo time limit. Wahan pe hota hai, उस वो टाइम लिमिट क्या जो है आप अगर आपके पास एक घंटा है तो आपको घर में जो है पचास मिनट सेट करने होंगे कि मैं मुझे ये पचास मिनट में अगर आपने घर में भी पचास में, या एक घंटा सेट कर लिया तो आपको जो है वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है वहाँ से कम टाइम आपको घर में टाइम सेट करना होगा अगर आपको वहाँ पे एक घंटे एक घंटा है तो आप पचास मिनट में आपको ये क्वेश्चन करने होंगे तो दीज विल गिव अस एन आइडिया अबाउट द टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसक इन द एग्जामेशन आप जो है कोई टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस जो भी आपके मार्केट में कहीं पर भी मिल रही हो या ऑनलाइन मिल रही हो आपको आप घबराना नहीं चाहिए कि मैं पैसे क्यों दूँ आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए तो वह आपको बहुत ज्यादा हेल्प करें करने वाली हो और वह भी जब आपके आखिरी तीस दिन हों तो आ, सो सोलो एज मच एज पॉसिबल जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं तो नेक्स्ट है डो नॉट पैनिक अगर आपने किसी के साथ बात कर ली उसने कहा कि यार मेरा तो सिक्सटी लगभग सिक्सटी सेवेंटी या एट्टी नाइनटी परसेंट मेरा कंप्लीट हो चुका है अब थोड़ा थोड़ा रहना है ब्रश अप करना है तो आप ये सोच रहे हैं यार मेरा तो मेरा तो अभी कुछ नहीं हुआ मेरा शुरुआत हो रही है या मैंने ये पढ़ा है कुछ याद ही नहीं रहा है तो इससे जो है आप पैनिक ना होइए डोंट लेस स्ट्रेस लेसट्रेस ओवरवे आपको स्ट्रेस जो है आप स्ट्रेस पे जो कंट्रोल uh, कर लीजिए ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है हो सकता है जो है सलेबस ज़्यादा हो लेकिन आपकी रेस्पॉन्सबिलिटीज़ भी तो एक्सपेक्टेशंस घर वालों की उससे भी ज़्यादा हैं सो डू नाट डू नाट पैनिक इन इन सच सचुएशनज बट डू नाट लेस स्ट्रेस ओवरकम योर प्रपरेशन आपकी पैपरीशनस जो हैं स्ट्रेस को आप मैनेज कर सकते हैं कि आप उस टाइम वही पढ़िए जब आपको लगता लगता है कि यार मैंने कुछ याद नहीं रह रहा है जो आपने पढ़ा है फिर से उसको पढ़िए या कुछ घर वालों के साथ टाइम गुजारिए उससे जो है आपकी स्ट्रेस लेवल कम हो सकती है और ये सोचिए ये सिर्फ़ एक एग्ज़ाम है सिर्फ एक एग्ज़ाम है ये ये हो सकता है अगर मैं पास हो जाऊँ तो मेरी लाइफ चेंज हो सकती है लेकिन अगर अगर नहीं हो नहीं हो अगर मैं नहीं हुआ तो भी दुनिया इस इससे बहुत बड़ी है तो कोई भी एग्जाम आपकी डेस्टिनी जो है डिसाइड नहीं कर सकता है एवरी वन हैज़ सम वीक पॉइंट नॉट जस्ट यू आपको लगता है यार मेरा मेरा तो ये वाला पोर्शन बिल्कुल घटिया है मुझे ये तो ये वाला पोर्शन तो मुझे बिल्कुल आता ही नहीं है मैं इस आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ अब मुझे साइंस पढ़ना पड़ रहा है मैं साइंस से हूँ अब आर्ट्स पढ़ना पड़ रहा है या मुझे मैथ्स नहीं आता काउंट नहीं आता वो नहीं आता सो हर एक को ये ये प्रॉब्लम हर एक को है ये प्रॉब्लम हर एक को है। या ऐसा हो सकता है कि आपके एग्जाम के आखिरी दिन हो और आपके घर में खुदा ना कहा कोई प्रॉब्लम आ जाए सो so, ये प्रॉब्लम हर एक के पास आपको ये लगता है कि फ़लां यार तो मेरा दूसरा दोस्त वो तो बैठा हुआ है उसको कोई भी दिक्कत नहीं है घर में वो तो आगे चला जाएगा ऐसा नहीं होता है आप उसकी असल जिंदगी में नहीं क्या पता उसके उसको उसको भी अपनी कितनी आपकी आपसे आप ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स हो सो डू नॉट पैनिक इन द लास्ट डेज कुछ भी हो बी जो बी काम अपने काम पे फोकस्ड रहिए डू नॉट फोकस डोंट लेट द स्ट्रेस ओवरवेलम यू सो एंड और और एक टिप जो आपके अब सिक्स टिप वर्किंग टुवर्ड्स द मास्टरी मास्टरी से क्या है कि अगर आपको कोई चीज़ पहले से आती है पहले से वो आपको आता है अब आपको उस लेवल से थोड़ा और ऊपर जाने की मास्टरी की तरफ जाने की जरूरत है से अगर आपको ये ऐसा लगता है कि यार मुझे तो ये वाला आता है ये तो मैं ये वाला पोर्शन तो मुझे पहले से ही आता है अब तो मैंने सारा सिलेबस पढ़ लिया है अब मुझे क्यों रोज़ 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 रोज, रोज पढ़ने की ज़रूरत है अब तो मैं लास्ट के दो दिन पढूं और सब कुछ हो जाएगा क्योंकि ये ही जो है जहाँ पे आप मात खा सकते हैं तो आपको क्या करना होगा आपको जो है जितना आपको पता है अब उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है और और डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत है आपको नया नया उस पर करंट अफेयर क्या हो चुका है कुछ पुराना क्या है उसकी हिस्ट्री क्या है उसके रिलेटेड जित जितना भी आपकी इंफॉर्मेशन मिलती जाए वो आप आखिरी दिनों तक तो कलेक्ट कर दे जाइए आप इस गलतफहमी में ना रहिए कि मुझे ज़्यादा पता है क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है यहाँ पे पहले को पूछा जाता है दूसरा तीसरा चौथा उनको जो कोई देखता भी नहीं है सो कीप वर्किंग टूवर्ड्स द मास्टरी रिवाइज विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स देखिए ये जरूरी है कि अगर आप ट्वेंटी फोर आवर्स में नहीं कर पाते हैं तो आपको हर फोर्टी एट आवर्स में रिवाइज करना होगा वो तभी पॉसिबल है जब आप पहले पॉइंट पे जो मैंने पहले कहा था कि आपको रिवीजन नोट्स बनाने होंगे एक बुक एक दिन में तो पढ़ नहीं सकते से अगर आपने आज दिन में एक एक दो चैप्टर आपने कवर कर लिए सो आखिर पे आप फिर से वो रिवाइज़ करेंगे तो और एक दिन लगने वाला है सो अगर आपने उस पे अगर आपने उसी दो चैप्टर्स के जो है अच्छे खासे पॉइंट पॉइंट वाइज नोट्स अगर आपने दस पॉइंट बीस पॉइंट या तीस पॉइंट आपने उसमें से निकाले हैं कि यार ये मुझे याद नहीं रह रहा है इनको रिवाइज करने की ज़रूरत है सो so, वो आप दस मिनट में भी रिवाइज कर सकते हैं बीस मिनट में भी रिवाइज कर सकते हैं उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है सो so, उसके लिए जो है ये रिवाइज़ करने के लिए आपको शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत है जो मैंने पहले ही बताया वो जो है एग्ज़ाम हर एग्ज़ाम के लिए अब आप बोलेंगे यार मेरे पास इतना पीडीएफ है वो है ये तो ये आपके लिए काम नहीं आने वाला है आखिर पे हो सकता है इससे आपको कुछ याद रहे लेकिन आप इसे रिवाइज नहीं कर पाएंगे सो डू नॉट टच द अनकवर्ड सिलेबस अनलर्नड चैप्टर्स एज ए फ्यू डेज जब आपका एग्ज़ाम हो उस टाइम आप नया करने की ज़रूरत नया करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको आपको ये पता होना चाहिए कि आप ये बात में रिवाइज नहीं कर पाएंगे और आपको ये याद नहीं रहने वाला है सो so, अगर आपके कम टाइम रह चुका है दो दिन तीन दिन रह चुके हैं नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है वही पढ़िए जो आपने आज तक पढ़ा है जिसको आपने आपने नोट्स बनाए हैं रिवाइज एक दो बार किया है वही आप या अभी तक रिवाइज नहीं किया है उसको रिवाइज करने की जरूरत है नया पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है एनी न्यू इंफॉर्मेशन यू लर्न नीड्स टू बी रिव्यूड रिकैपड एंड री इन्फोर्सड इन स्ट्रेंथ ऑफ ट्वेंटी फोर आवर्स साइंस टेल्स दैट

हाँ मैं साइंस मेरे पास सेफ मेरे पास साइंस है जीके है मैथ है और ए बी सी और डी मेरे पास टॉपिक्स हैं या मेरे पास चैप्टर्स हैं मैं क्या करूं या बुक्स हैं ये ए बी, सी एंड डी अब मैं क्या करूं क्या मैं टाइम स्लाइसिंग करूं कि मैं 10 से 12 बजे तक ए पढूं 12 से 2 तक बी पढूं 2 से 3 तक सी पढूं और उसके बाद डी पढूं क्या मैं ये कर सकता हूं अगर आप इस चीज़ में कम्फर्टेबल हैं तो आप ऐसा कर सकते हो और अगर आपके पास टाइम बहुत है तो आप ऐसा कर सकते हैं लेकिन इससे जो है आप जो है एक एक गलत फहमी में रहते हैं कि मैंने तो बहुत पढ़ा लेकिन आपको यह नहीं पता होता है कि क्या पता कि ये सारा सेलेबस मुझे इस टाइम में क्या कंप्लीट हो सकता है इससे बेहतर एक स्ट्रैटेजी ये है कि आप जो है ए जो है से इट इज़ साइंस तो साइंस उठा के जो है आपने एक बुक उठाई उसके नोट्स उठाए तो पहले आप इसको एट ए स्ट्रेच कंप्लीट कर सकते हैं ये सबसे बेहतर रहेगा आपके लिए और यही अच्छा काम करती है क्योंकि ये आपको अच्छा मतलब ये आपको रियल टाइम बताएगा कि आपको इस इस सारे को कम्प्लीट करने में कितना टाइम लगेगा अगर आप टाइम स्लाइसिंग करते हैं पहले ये पढ़ते हैं एक घंटा फिर वो पढ़ते हैं दूसरा ती, तीसरा सो so, उसमें क्या है कि आपको ये नहीं पता चलेगा कि मुझे एक्चुअली इस सब्जेक्ट को कितना टाइम रिवाइज करने में लग सकता है सो so, आप क्या करें एक को उठाएं उसको कंप्लीटली फिनिश करके छोड़ें और फिर बी उठाएं उसको फिनिश करें से उसमें दो दिन लग सकते हैं तीन दिन लग सकते हैं अगर एक हफ्ता भी लगता है तब भी जो आप क्योंकि दिमाग जो है एक अगर आप एक चीज पढ़ रहे हैं से साइंस के मुतल पढ़ रहे हैं या पॉलिटी के मुतल पढ़ रहे हैं सो so, आपकी जो है आप हर चीज़ जो है उसी तरह सोचेंगे आपको वही वही एक हफ्ता अगर आप कंटिन्यू वही पढ़ेंगे तो, तो बहुत ही बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही प्रोडक्टिव रहने वाला है वो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका क्या है कि आपको लगेगा कि मैं पढ़ रहा हूँ बहुत ज़्यादा लेकिन आप कम एक्चुअल में कम पढ़ रहे होंगे तो so, आप क्या करें फॉर मोस्ट इफ़ेक्टिव लर्निंग यू शुड ऑल्टरनेट इच सब्जेक्ट इन कैटेगरीज फॉर लॉन्ग पीरियड आफ्टर स्टडी टाइम यो शॉर्ट पीरियड आप ना रखें लॉन्ग पीरियड रखें से दो दिन चार दिन पाँच दिन पाँच दिन आपने ये वाला पढ़ा पाँच दिन आप ये पढ़ना है से आपके पास एक महीना है तो अगर आपके पास चार चैप्टर्स हैं तो मैं बीस दिनों में पाँच 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 दिन करके ये कंप्लीट कर सकता हूँ या दो दो दिन कर करके कर सकता हूँ उसमें जो है आपको बिल्कुल भी याद भी रहेगा और आपका कंप्लीट भी होगा सारा तो डू नॉट मल्टी टास्क इन स्टडीज स्टडी अनटिल यू कंप्लीटली अंडरस्टैंड ए सब्जेक्ट और ए टॉपिक ऐसा नहीं होगा कि आपने बीच में अगर आपके चार दिन हो गए आपने टाइम रखा था मेरा चार दिन में मुझे कंप्लीट कर लेकिन जब चौथा दिन आ गया तो आपका एक चैप्टर आधा रह रहा है तो अब आप वो छोड़ के दूसरा टॉपिक उठा रहे हैं तो ऐसा ना करें जब तक जब तक ना आपका एक टॉपिक या एक सब्जेक्ट कंप्लीट ना हो दूसरा ना उठाएं पहला कंप्लीट करके उसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके फिर आप दूसरा उठाएं वो ज़्यादा प्रोडक्टिव रहता है तो गेट स्लीप अब ज़्यादातर हम ऐसा करते हैं कि हम रात को देर तक सोते हैं देर तक जो है जाग जाग दे रहते हैं और उससे क्या होता है कि हमारी हमारी मेन चीज़ जो होता है हमारी मेमोरी उस पर जो है असर पड़ता है हम ज़्यादा याद नहीं रख सकते हैं। रख पाते हैं सो एट लीस्ट यू शुड यू शुड स्लीप फॉर सिक्स टू सेवन आवर्स डेली छः से सात घंटा आप सो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आप जो हैं आप टाइम मैनेज करके फिर आराम से पढ़ सकते हैं वो शायद रात हो या दिन हो दिस स्टेप इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वेन इट कम्स टू स्टडिंग हार्ड एज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट स्टे अवेक्ट नाइट टू फिनिश द रिजिंग बिफोर एग्जाम बट दिस इज़ रॉन्ग प्रॉपर स्लीप टर्न इज यूर शॉर्ट टर्म मेमरी इन टू लॉन्ग टर्म रिटर्निंग मेमरी ये याद रखने की जरूरत है क्योंकि आप हम याद हमें को या, याद ही तो रखना है और क्या करना है हमें सो so, आपको आ, अच्छी खासी स्लीप चाहिए टेक केयर ऑफ योर हेल्थ देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आप ज़्यादातर केयर नहीं करते हैं ऐसे जो कुछ भी आया खाया पिया एक ही जगह बैठे तो आपने आपने जो है अच्छी तरह से खाया पिया नहीं उससे क्या होगा कि आपकी जो है हेल्थ कंप्रोमाइज़ होगी और एक चीज़ आप इसमें याद रख सकते याद याद रखिए कि आपकी ये वाली गलती आपको जो है ऐसी किक मारने वाली है एग्ज़ाम से इतना दूर तक चले जाओगे अगर आप बीमार हो गए एग्ज़ाम के से आज एक हफ्ता है एग्ज़ाम को और आज आप खुदा न खासा बीमार हो जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप जो है एग्ज़ाम से बाहर हो चुके हैं सो so, पहली प्रायोरिटी आप जो है हेल्थ को दे दें दे कि अपनी हेल्थ जब आप ठीक हो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं आप अच्छे से बैठ सकते हैं आप अच्छे से समझ सकते हैं अगर आप ठीक नहीं हो कितने कितनी भी इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक हो कितना भी इजी हो आपको समझ ही नहीं आ सकता और जो है आप अल्लाह बचाए जिस ही जिस टाइम आप जो है बीमार हो हो गए हो तो समझ लीजिए कि मुझे एग्ज़ाम जो है एग्जाम ने मुझे कंपटीशन से किक कर दिया है मैं बाहर हो चुका हूँ सो स्टार्ट विद फूड गुड ब्रेकफास्ट हेल्दी लंच ए लाइट डिनर इट विल कीप योर माइंड अलर्ट एंड एक्टिव होल डे ट्राई टू स्टे अवे फ्राम हाईली प्रोसेस्ड फूड लाइक शुगरी ड्रिंक्स वगैरह या गुड न्यूट्रिशन या वाइटल ऑप्टिमल थिंकिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कीप ए हेल्दी एंड न्यूट्रिश डाइट वो भी रखिए और ये याद रखिए कि खुदा ना खास्ता अगर मेरे साथ कुछ होता है तो उस टाइम में जो है मैं कंपटीशन से बाहर हो चुका हूँ सो so, तो अब जो है टाइम आ चुका है मैं आपको वो मज़ेदार स्टोरी सुनाऊँ तो तो ये जो है ये हमारी स्टोरी का कैरेक्टर है द फ्रॉग एक बार क्या होता है कि एक जगह पे बहुत सारी फ्रॉग्स जमा होती हैं तो वहाँ पे एक कम्पटन होता है कि हमें इस चोटी पे जो है ये वाली जो चोटी है उस पे चढ़ना है ये पहाड़ जो है बहुत ही बहुत ही ख़तरनाक पहाड़ है इस पे कोई चढ़ ही नहीं पाता है तो वहाँ पे एक कम्पटन हुआ कि आज जो है जो इस पे चढ़ेगा वो विनर होगा और उस पे उसके सर पे ताज होगा तो क्या होता है कि सारी सारी जो फ्रॉग्स हैं वो आती हैं इस कम्पटन में पार्टिसिपेट करने के लिए तो ये ये जो है हमारा करेक्टर ये भी आता है तो सारी एक लाइन में बैठते हैं और जो पाथ होता है समझ लीजिए कि जो रास्ता होता है रास्ते के दोनों साइड में जो है बाकी सारी फ्रॉक्स बैठते हैं उनको इनको जो है इनक्रेज करने के लिए तो बाकी ये जो है बीच में दौड़ रही हैं रेस शुरू हो चुकी है तो क्या होता है कि अब जो है जो साइड में बैठी हैं वो बहुत सारी फ्रॉक्स वो ये कहती हैं यार देखो आ, इस पहाड़ पे पिछली साल भी रेस हुई थी इस पे चढ़ने के लिए लेकिन जो है एक दो ने कोशिश की थी आपको पता है उनका क्या हुआ वो मर गई एक की थी टांग टूट गई वो दूसरी वहाँ से पहुँचने अभी तो आधे रास्ते में ही थी वो उसके उसके उसकी भी जो है डेथ हो गई तो वहाँ पे कोई नहीं पहुँच सकता ये सारा ये सारा जो है बहुत ये, बहुत ये बहुत ये बहुत मुश्किल काम है कोई नहीं कर सकता आज तक कोई नहीं कर पाया आज कौन कर पाएगा सो ये, ये जो है रास्ते में ये वाली बातें कर रहे थे जो साइड में बैठी थी फ्रॉक्स जो दौड़ रही थी वो ये सब सुन रहे थे वो ये सब सुन रहे थे और जब उन्होंने ये सुना तो वो ऑटोमेटिकली इंसान की ये जो है या, या, किसी भी जानवर की जो जा है ये ये फितरत है कि वो स, जो जो सुनता है वो उसका असर उस पर होता है तो जिस जिसने जो जो भी आगे चढ़ते गए ये ये बातें करते गए नेगेटिव फैलाते नेगेटिविटी ये फैलाते गए तो इनके जो है आ, वो डिसक्रेज होते गए और एक एक करके सब थकने लगे थकने लगे थकने लगे, थकने लगे और एक एक टाइम आया कि सारे जो फ्रॉग्स हैं वो सारे बेकार हो गए आधे थक गए आड़े मर गए आड़ी की टांगे टूट गई सो so, एक फ्रॉग जो है हमारा करेक्टर वो जो है आगे चलता गया क्योंकि ये बोल रहे थे यार अब ये अब ये मर जाएगी अब इसको मरना है अब ये गिरेगी अब ये वो होगा अब ये वो होगा लेकिन वो क्या है कि वो चलती गई वो चलती गई चलती गई चलती गई जब तक कि वो कहाँ पहुंची जब तक कि वो अपने उस पहाड़ पे चढ़ के दौड़ती गई और पहाड़ पे चढ़ती गई च, चलती गई चलती गई और एक टाइम आया कि वो जब जो ही वहाँ पहुँची उस पे चढ़ने के लिए तो सारे फ़्रॉक्स अब जमा हो गए अब ये जब अब 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 ये फ्रॉक्स ये कहने लगे जो ही ये अब ऊपर पहुँचेगी वहाँ से गिर जाएगी और मार जाएगी तो क्या हुआ कि वो ऊपर चढ़ती गई और आखिर पे जो है वो उस शिखर पे पहुँची कि उसने वो ख़ताब हासिल किया अब हमें ये देखना है कि ये ये वाला फ्रॉग अब जब वो वापस आई तो उसे पूछने लगे यार ये ऐसा कैसे पॉसिबल है जब आज तक कोई नहीं कर पाया आज ये कैसे कर पाया आज किसी ने कैसे कर पाया तो सब पता करने लगे ये फ्रॉग कुछ कहता ही नहीं है जिसने ये जि, जिसने ये रेस जीती थी वो तो कुछ नहीं कह कह पा रहा तो आखिर में पता चला यार इसकी सक्सेस का जो राज है वो ये है कि ये वाला फ्रॉग जो है ये डेफ था ये सुन नहीं पा रहा था इसके कान जो हैं काम नहीं कर रहे थे ये पूरी तरह से डेफ था तो इसकी ये डेफनेस इसका जो इसकी स्ट्रेंग्थ बन गई क्योंकि इस इसने इसने वो नेगेटिविटी सुनी ही नहीं जो दूसरे फ्रॉग्स ने सुनी जो ये सुनकर गिर गए मर गए जिनकी टांगें टूट गई क्योंकि इसने कुछ सुना ही नहीं तो ये जो है बिल्कुल सक्सीड हो गई सो so, इससे हमें इस डेफ फ्रॉग से हमें क्या सीखने की ज़रूरत है इससे हमें ये सीखने की ज़रूरत है सो एवरी टाइम यू स्टार्ट जब भी आप सुबह बैठते हैं पढ़ने के लिए तो पहले एक चीज़ पढ़ें आई कैन डू इट आई विल डू इट आई कैन डू इट आई विल डू इट सो so, जब आप जब आप जब कोई भी इंसान एक एक ही बात रोज़ सुनता है या या एक ही बात रोज़ दोहराता है तो उसका जो है वो यकीन में बदल जा वो बात जो है यकीन में बदल जाती है और वो यकीन हकीकत में बदल जाती है दूसरी चीज़ जो हमें इस डेफरक से सीखने की ज़रूरत है बी नेगेटिविटी। जो जितनी भी नेगेटिविटी है उसके लिए जो है आप गे हो जाओ बहरे हो जाओ कुछ मत सुनो जैसे आपने सुना ही नहीं उसको निकाल ही दो अपने जहन में उसके लिए जगह मत रखो तीसरी बात जो हमें सीखने के लिए मिलती है जो है लोग तो आपको क्रिटिसाइज करेंगे ही लेकिन वो आपको रोकने के लिए बोलेंगे गिरने के लिए बोलेंगे लेकिन आपको जो है आप वो मैटर नहीं करता है कि वो क्या कह रहे हैं लेकिन मैटर क्या करता है आप क्या सोचते हैं और आप क्या करते हैं वो मैटर करता है और उसी से जो है वो लोग क्या कहेंगे उससे आपकी जो है आ, ना स्ट्रेंग डिसाइड होगी ना आपकी पोजीशन डिसाइड होगी ना आपकी सक्सेस डिसाइड होगी आप जो सोचते हैं और आप जो करते हैं उसी से आपकी सक्सेस डिसाइड होगी और आखिरी बात जो हमने इससे सीखी वो ये है बी फोकस्ड हमेशा फोकस में रहो अपना अपनी जो अपना जो टारगेट है वो फोकस में रखो और आखिर एक टाइम एक आएगा कि आप जो है अपना टारगेट अचीव कर ही लोगे तो आखिर पे मैं आपको एक चीज और बता दूं कि टू सेव यूर टाइम एंड एफर्ट ऑल स्टडी मटीरियल ऑफ जेकेपीएससी पी एस सी एंड जेके एस एस बी एग्जाम्स पर्टिकुलरली जेकेपीएसआई पी एस आई सब इंस्पेक्टर पोस्ट सब इंस्पेक्टर फाइनेंस और एस आई फाइनेंस वो जो है आपके लिए ई उस्ताद चैनल पे अवेलेबल किया जाएगा ई उस्ताद के लिए अभी ऐप लॉन्च होने वाली है उस पे जो है इन उस पे जो है कोशिश करके जितना हो सके आपके लिए टाइम बचा के आपके लिए जो है स्टडी मटेरियल वहाँ पे रखा जाए जितना हो सके फ्री रखा जाए जितना हो सके कम कीमत पे रखा जाए उससे जो है आपका टाइम बचेगा चूँकि आप जो है आपको वो स्टडी मटेरियल ढूँढने की ज़रूरत नहीं होगी देखिए स्टडी मटेरियल आपको तो कहीं पे भी मिल जाएगा लेकिन जो इंसान खुद इन इस सब से गुज़रा हो उसे ज़्यादा पता है कि एक एस्पेरेंट को कौन सा मटीरियल चाहिए आपको एक सब्जेक्ट पर एक बुक भी मिल सकती है लेकिन और उसी सब्जेक्ट पे आपको दस नोट्स भी या पांच नोट्स भी मिल सकते हैं लेकिन आपको बुक नहीं चाहिए आपको वो पांच नोट्स चाहिए जो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं सो आगे हमारे साथ रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए आने वाले वीडियोस जितने भी हैं आपके साथ शेयर किए जाएंगे तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए थैंक्स